से. आई एम डॉक्टर सुविधा बोरा फ्रॉम पूर्णा आई सेंटर बरेली. आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी रिगार्डिंग काला पानी, काला मोतिया या ग्लॉकोमा. ग्लॉकोमा इज वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ प्रिवेंटेबल ब्लाइंडनेस, दैट इज अंधापन, जो कि हम रोक सकते हैं अगर हमने सही टाइम पे डायग्नोसिस कर ली. नाउ व्हाट हैपेंस इन ग्लॉकोमा. ग्लॉकोमा में आपकी आंख की जो मेन नस है जिससे रोशनी आंख से दिमाग में जाती है, जिसको हम ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो ग्रेजुअली कमज़ोर होती जाती है. ये कमज़ोरी परमानेंट होती है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू डायग्नोज ग्लॉकोमा एट द राइट टाइम एंड टेक ट्रीटमेंट एंड कॉन्स्टेंटली आप अपने डॉक्टर को दिखाएं. सो कौन से लोग प्री डिस्पोज होते हैं ग्लॉकोमा के लिए. जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको डायबिटीज़ है, जिनका चश्मे का नंबर बहुत जल्दी जल्दी बदल रहा है, जिनको माइनस नंबर बहुत ज़्यादा है, जिनको थायराइड है, और जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में फर्स्ट या सेकेंड रिलेशन में किसी को ऑलरेडी काला पानी है. ऐसी स्थिति में आपको डेफिनेटली अपना आई चेकअप कराना चाहिए. बिसाइड्स दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अनसुपरवाइज्ड मेडिसिन आई ड्रॉप्स का यूज़ ना करें, स्पेशली पायरिमोन, सिप्लॉक्सटी एंड डेक्सिन. दीज आर द आई ड्रॉप्स जो कि आपको केमिस्ट की शॉप से आराम से मिल जाती है, एंड बहुत से लोग अपनी नज़र खो चुके हैं बिकॉज उनको काला पानी आ गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ दीज आई ड्रॉप्स. तो आप कोई भी आई ड्रॉप यूज़ करें, यू शुड ऑलवेज कंसल्ट योर डॉक्टर. काला पानी कई तरीके का होता है, कभी कभी बच्चों में पैदाइशी होता है. सो अगर आपको लगता है कि बच्चा जो है पैदा होने के बाद उसकी आँख की पुतली बहुत बड़ी है, उसमें से कॉन्स्टेंटली वाटरिंग हो रही है, वो लाइट के आगे नहीं खोल पाता है, एंड पुतली में थोड़े सफ़ेदी है, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको इमीडिएटली आई स्पेशलिस्ट को दिखा दें. बिसाइड्स दैट आपको चोट के बाद हो सकता है, कुछ बीमारियों के बाद हो सकता है, तो आपको हर स्थिति में जब भी आपको लगे कि आपकी आँख की नज़र जितनी है उससे नॉर्मल नहीं है, यू शुड ऑलवेज गेट योर सेल्फ चेक्ड एंड स्पेशली रिगार्डिंग ग्लॉकोमा. क्योंकि ग्लॉकोमा ऐसी बीमारी है जिसको अगर हम सही टाइम में पकड़ लें तो आपको आपकी नज़र को हम आराम से बचा सकते हैं. बट इफ़ वी आर लेट, सो इससे जो नज़र जाती है दैट इज़ परमानेंट, वो हमेशा के लिए नज़र चली जाती है, अनलाइक मोतियाबिंद जिसमें कि ऑपरेशन के बाद नज़र अच्छी आ जाती है. सो इन बातों का आप ज़रूर ध्यान रखें और ग्लॉकोमा से अपनी नज़र को बचाएं. थैंक यू.